नमस्कार जी, मैं संध्या। फ्रेंड्स, ये देखिए कितना खूबसूरत फूल है और अभी भी ये खिला हुआ है, ये गुड़हल का। तो ये शाम हो गया है लेकिन अभी भी ये स्पेंड नहीं हुआ है। तो ये देखिए कितनी इसमें बर्ड आई हुई हैं, ये देखिए कितने खिले हुए हैं, कितने कल खिलने वाले हैं और कितनी इसमें इस तरीके की बर्ड आई हुई हैं, ये देखिए। ये तो फ्रेंड्स, ये मैं शेयर आज नहीं कर रही हूँ आप लोगों से। आज मैं आप लोगों से ये शेयर करने जा रही हूँ कि आज मैंने अपने गार्डन में कौन कौन से काम किए। त्यौहार भी आ रहा है, कहने का मतलब दिवाली भी आ रहा है और इसी टाइम में गार्डन का काम भी ज़्यादा हो जाता है। और मतलब सर्दियों के मौसम के लिए जो प्लांट लगाने होते हैं, सीडिंग तैयार करनी होती है और मिट्टी बनानी होती है, तो वो काम भी इसी समय होता है। और इसी समय मौसम चेंज हो रहा होता है तो तबीयत भी लोगों की ख़राब हो रही होती है, जैसे कि मेरी ख़राब है। लेकिन गार्डन का काम मैं तेज़ी से कर रही हूँ और सर्दियों के मौसम की तेज़ी से तैयारी भी चल रही है। जितने ज़ोर शोर से दिवाली की तैयारी, उतने ही ज़ोर शोर से विंटर की तैयारी मेरी चल रही है। तो चलिए, आज मैंने अपने गार्डन में क्या क्या काम किए हैं मैं वो आप लोगों से शेयर करूँगी। पहले तो ये देख लीजिए, मैक्सिकन पिटूनिया के जो वो थे, सैपलिंग थे, उनको मैंने इसमें लगा दिए हैं, तीन तीन दो दो ऐसे करके मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ था। तो ये ठीक ठाक चल रहे हैं। ये चंपा का प्लांट है, इसी के छाए के नीचे मैंने इनको ये रख रखा है और थोड़ी दिन बाद मैं इनको फिर डायरेक्ट धूप में निकाल दूँगी। तो ये देखिए सब ठीक ठाक है, सब इस्टेब्लिश हो गए हैं। और बाकी ये जो कटिंग मैंने लगाए थे ये भी ठीक ठाक से चल रहे हैं। मिर्ची के दो प्लांट लगाए थे, ये भी काफ़ी हेल्दी है। एक कटिंग मैंने कुलियस की ये लगा रखी है, ये भी ठीक ठाक चल रही है। और बाकी मैंने क्या काम किया है वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो आज मैंने कुछ ये काम किया है। आप लोगों से मैंने बताया था कि ये मुझे गिफ्ट में प्लांट मिला है, रिटर्न गिफ्ट में। तो इसको, ये पॉट खाली था तो इसमें मैंने लगा दिया है। ये एग्लोनिमा है, एग्लोनिमा का ही वैरायटी है। और इसी के साथ जोड़े में ये एग्लोनिमा, ये भी मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि इसको मैं बड़े इसमें पॉट में लगाऊंगी। छोटे पॉट में था ये, तो बड़ा पॉट मैंने इसको दे दिया है। और अच्छी मिट्टी का किचन वेस्ट कंपोस्ट जो है उसमें अच्छे से मिट्टी बना के मैंने इसको लगा दिया है। तो अब ये जोड़े में हो गया, ये देखिए एक ही जैसा इसका प्लांटर भी है। इसमें मैंने कुछ सीड ग्रो किए हैं। और इधर तो गजानिया का लगा रखा है मैंने सीड। गजानिया का मुझे पता नहीं चल सीड ग्रो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसके जो सीड्स थे वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। इधर कोसमोस के मैंने लगा रखे हैं। और इधर कौन सा फ्लावर है, मैंने उसका नाम नहीं लिखा था, मुझे याद नहीं है। इधर उसको लगा रखा, इधर भी गजानिया का ही मैंने लगा रखा है। ये तो ये हो गया। ये जो था देसी गुलाब, मतलब ये देसी क्या कहे, ये सेडेड में खिलता है। तो ये बहुत छोटे उसमें लगा हुआ था, ठीक से चल नहीं पा रहा था। तो इसकी रूट प्रूनिंग करके मैंने इसमें बड़े पॉट में इसको ट्रांसप्लांट कर दिया है अब। और इसकी जितनी सूखी डंडियाँ थी उसको मैंने निकाल दिया है। बाकी इनकी बड देखिए बनी हुई है, बड के साथ ही मैंने इसको इसमें ट्रांसप्लांट कर दिया है। दूसरा ये वाला प्लांट जो कि मुझे रिटर्न गिफ्ट में मिला था, उसका पॉट ये है। तो उनके पास जेट प्लांट नहीं था, तो मेरे पास जेट प्लांट बहुत सारे लगे हुए हैं। तो ये जेट प्लांट इसमें लगा हुआ था, इसमें से निकाल के मैंने इसमें ट्रांसप्लांट कर दिया और ये मैं उनको वापस कर दूँगी पॉट के साथ, उनके पॉट के साथ। और ये जब खाली हो गया तो कुछ कटिंग दूसरे प्लांट मतलब इसी का प्लांट और भी लगे हुए, तो वहाँ से लेके मैंने इसकी कटिंग ग्रो कर दी है, ठीक। और ये तीन दिन पहले मैंने डायंथस की कटिंग लगाई हुई थी, ये देखिए ये तीन दिन पहले का कटिंग है ये। और ये डायंथस ये है, ये देखिए इसने मुझे गर्मी भर फूल दिया। यहाँ तक कि जब मैं अपने मायके चली गई थी और इसको मैंने बड़े प्लांट के नीचे रख दिया था, तो ये सर्वाइव करता रहा जहाँ कि अच्छे अच्छे प्लांट जो है वो ख़त्म हो गए, सूख गए। जैसे कोचिया का प्लांट जो कि गर्मियों का प्लांट माना जाता है, वो ख़राब हो गया, सूख गया। और ये जाड़े का प्लांट जो कि मेरे पास उस कंडीशन में भी सर्वाइव कर गया जहाँ इसको कोई पानी डालने वाला नहीं था। तो ये देखिए, तो इसी की कटिंग लेके मैंने इसमें लगाया है। अब इसी की कटिंग लेके मैं कई और कटिंग बनाऊँगी, मतलब कई और जगह लगाऊँगी, कई पॉट में लगाऊँगी मैं
जैसे कि एक ये पॉट है, देखिए इसमें मैंने मिट्टी डाल दिया और इसको मिट्टी को गीला कर दिया। आप चाहे तो ड्राई मिट्टी में लगाकर बाद में भी पानी डाल सकते हैं, मैंने पहले ही पानी डाल दिया। इसमें कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से कट करना है। रुकिए मैं कुछ सीजर वगैरह लेके आती हूँ, कट करके दिखाती हूँ, क्योंकि लेके नहीं बैठी मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, फिलहाल मुझे प्रूनर मिल गया, तो इसी से मैं कट कर लूँगी कुछ इसकी स्टेम जो है मैं कट कर लूँगी। हालांकि हाथ से भी तोड़ के इसको लगा सकते हैं, मैंने तो इसको हाथ से ही ऐसे तोड़ा और ऐसे लगा दिया। तो कुछ इस तरीके से इसकी कटिंग लेनी है। देखिए मैंने फूल के साथ ही ले लिया इसको, तो इस तरीके से कुछ कटिंग लेनी है। मैं और भी कटिंग लेके फिर आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके की मैंने ये कटिंग ले ली है ये। और जितना स्टेम इसका मिट्टी में जाएगा, उतना ये जो है इसकी लीफ इसको हटा देना है, क्योंकि ये मिट्टी में जाएगा तो सड़ेगा, फिर फंगस का अटैक होगा, तो उतना ये हटा देना है। हालांकि मैंने इससे पहले शेयर किया हुआ है, लेकिन मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। और इसको ऐसे होल करना है और इसको ऐसे मिट्टी में ऐसे दबा देना है। ऐसे भी आप ऐसे दबा सकते मिट्टी में, ये देखिए इस तरीके से। हालांकि मैंने एक बार और लगाया हुआ था, वो दूसरे कलर का था, लेकिन वही है कि फिर जब मैं उस समय नहीं थी, चली गई थी, तो वही प्रॉब्लम पानी नहीं डल पाया, उसकी वजह से वो कटिंग मेरी चलने के बावजूद भी सूख गई पानी ना मिलने के कारण। तो ये देखिए ऐसी कटिंग कभी भी आप लगाई तो कई सारी लगाइए। इसमें मैं इसलिए घना करके लगा रही हूँ कि दो चार कटिंग इसमें चल पड़ेगी, या तो मैं देखूंगी अलग कर दूंगी या फिर इसी में छोड़ दूंगी, तो ये काफ़ी जल्दी इस एरिया को कवर कर लेगा। और यदि एक कटिंग भी आप इसमें रहने देंगे तो ये पूरा पॉट कवर कर लेगा। तो पानी मैंने इसमें पहले डाल रखा है, पानी डालने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए इस तरीके से आप, अगर आपके पास डेंथस है तो आप लगा सकते हैं, या किसी आपके फ्रेंड्स के पास या अड़ोस पड़ोस में हो तो इस तरीके से कटिंग ले आइए और लगा दीजिए, क्योंकि आने वाला टाइम जो है अभी नहीं, सब प्लांट्स के टाइम है। ये देखिए, तो इसी तरह ये लगा रखा मैंने, ये 3 दिन पहले का मेरा रिजल्ट है ये देखिए। बाकी ये है, तो इसमें से देखूंगी मैं और लगा दूंगी निकाल के, और फिर इसमें नई नई लीफ आने लग जाएंगी, नए नए प्लांट्स और बन जाएंगे, मतलब नई नई लीफ आएंगी, नए नए स्टेम आएंगे, तो उसमें फिर और फूल खिलेंगे। कहने का मतलब एक तरह से इसका प्रूनिंग हो जाएगा इस प्लांट का, और आपको कटिंग मिल जाएगी, आप नया प्लांट भी इससे बना सकते हैं, कई सारे बना सकते हैं। तो आज मैंने ये इतने सारे काम किए हैं ये, अब बाकी का काम जो है मैं वो कल करूँगी। बाकी इस प्लांट की मैंने रिपोर्टिंग आप लोगों से शेयर किया ही था, तो ये देखिए कुछ ये इस तरीके से चल रहे हैं, ये ठीक ठाक है। ये देखिए लेमन ग्रास का प्लांट, इसे जरा कुछ भी कहते हैं, चाय वगैरह में डलता है। ये देखिए कितना घना हो रहा है, और लगा कितनी सी है ये पोलोथीन बैग में, ये देखिए ये। अब मिट्टी भी केवल इतनी है, केवल इतनी, पूरा भर के भी नहीं। ये देखिए पोलोथीन की हालत भी ख़राब है। तो अब सोच रही हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी मैं किसी पॉट में डाल दूँगी। ये देखिए इसकी मिट्टी, ज़रा सी मिट्टी में, इतनी सी केवल मिट्टी है, इतनी सी। और इसमें ये प्लांट देखिए कितना हरा भरा हो रहा है। ये कुछ नहीं इसका केयर करती हूँ मैं, केवल जैसे नॉर्मल पानी डालना हुआ वो पानी डाल दिया, कोई फर्टिलाइज़र नहीं, कोई कुछ नहीं। बहुत हुआ तो किचन वेस्ट कंपोस्ट में ही ये लगा हुआ है, और देखिए कितना अच्छा और हरा भरा है ये एकदम। बाकी ये देखिए हल्दी और ये अदरक, ये भी अच्छा चल रहा है ये। और किस में लगा हुआ है, ये कार्डबोर्ड के डिब्बे में लगा हुआ है ये। बाकी ये मिर्ची, इतनी मिर्चियाँ मैंने इसमें हार्वेस्ट कर ली, फिर भी इसका पौधा देखिए कितना स्वस्थ है। बाकी इधर भी ये सारे प्लांट जो है अच्छे चल रहे हैं, हेल्दी हैं। बाकी ये प्लांट देखिए, ये भी कितना अच्छा है फाइकस का, ये भी अच्छा चल रहा है। और ये देखिए ये कितना घना हो गया, इसकी हालत बहुत ख़राब हो रखी थी, इसे कुछ नहीं किया मैंने, इसकी गुड़ाई उड़ाई करके केवल सी वीड ग्रे जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वही डाल रहा है मैंने इसमें। ये देखिए कितना अच्छा चल रहा है ये। बाकी नींबू का प्लांट, ये तो बांध रखा है, इसमें कितने सारे नींबू मैंने हार्वेस्ट भी कर लिए। ये देखिए कितने नींबू लगे हुए हैं, दिखाती हूँ आपको थोड़ा बड़ा करके, देखिए इस टाइप में कितने नींबू हैं ये देख लीजिए। और यहाँ तक कि इसके जड़ में भी नींबू, ये देखिए
ये कितने सारे नींबू, ये पूरा नींबू से लदा पड़ा है ये प्लांट, कितना खूबसूरत लग रहा है। और जब आपको ज़रूरत है, आपके घर में लगा है, जब मर्जी तब तोड़ लीजिए इसको। ये बाकी जरबेरा, जब से मैंने इसको लगाया है, रिपोर्ट किया, तब से बेचारा फूल दिए ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है। ये देखिए, और प्लांट भी देखिए कितना हेल्दी है। ये ड्वार्फ प्रायटी का वो है, सॉरी जरबेरा नहीं, भूल गई मैं इसका नाम। तो ये जो है बहुत अच्छा फूल देते ही जा रहा है, ये इसका नाम ही मैं भूल गई, याद नहीं आ रहा है मुझे। बाकी देखिए राखी बेल अभी भी खिल ही रहा है, कल ये दो खिला था, एक और ये दो, और कल ये खिलने वाला है, ये देखिए, और ये खिला हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसी खूबसूरत राखी बेल के फूल के साथ मैं आज की वीडियो यहीं पर एंड करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो और आज का काम आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखिए, ग्रीन बनाइए। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर बीज आपने लगाया है तो ठीक है, नहीं लगाया है, कहीं से अरेंजमेंट हो जाता है तो बीज लगाइए। क्योंकि मैं यही कहूँगी कि अगर नर्सरी से ख़रीदने जाते हैं तो क्या होता है कि 30-40 रुपए में, 50 रुपए में हमें केवल एक पौधा मिलता है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन बीज लगाते हैं तो कई सारे पौधे हमारे तैयार हो जाते हैं, जितना मर्जी उतना हम लगा भी सकते हैं और बांट भी सकते हैं। और अगर नहीं बीज का अरेंजमेंट हो पाता है तो कोई बात नहीं, फिर नर्सरी से तो आप ला ही सकते हैं, आगे चल के उसका बीज बना लीजिए। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।